जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हम क्लास 7 का मैथमेटिक्स जो है, इसका टॉपिक जो है वो फ्रैक्शंस है। फ्रैक्शंस है तो एक्सरसाइज 2.2 में है, अभी यहाँ चल रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है आज है, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्सड फ्रैक्शन। और हमारे पास जो यहाँ पे है पॉइंट, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद मिक्सड फ्रैक्शन में इसका आंसर देना है। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास जो मिक्सड फ्रैक्शन है, इसको हम चेंज करेंगे। सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वो कैसे, इसका जो ये डिनोमिनेटर है, इसको मल्टीप्लाई बाय इस नंबर से करेंगे 5 से, और प्लस 1 डिवाइड बाय 5, इस तरह ये होगा। फिर मल्टीप्लाई हमारे पास, हाँ हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 × 5 = 25 एंड 1 = 26 और डिवाइड बाय 5, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 × 8 = 36 3 × 2 = 6 and 7 डिवाइड बाई 5। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, अब हम इसको मिक्सड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्सड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 5, 5 × 5 = 25 और यहाँ पे 3 निकला, तो 3 जो निकला है तो इसको आप 5 से नहीं होगा, आप यहाँ पे फ्रैक्शन बनेंगे। 13 पूरा नंबर निकला और 3/5 जो है, ये हमारे पास इसकी जो मिक्सर फ्रैक्शन है वो आंसर निकला, तो 3/5। अब हम इसी तरह इस पे जाएंगे, इसका भी पहले सबसे पहले हम इसका जो है ये मिक्सर फ्रैक्शन है उसको चेंज करेंगे हम, किस में उसको चेंज करेंगे हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिवाइड बाई 4। तो 5 × 6 = 24 एंड 3 × 3 = 27 डिवाइड बाई 4। तो 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10 एंड 3 = 13 डिवाइड बाई 4। अब इसका भी हम करेंगे डिवाइड, डिवाइड इसका भी करेंगे हम 35 / 4, 4 × 3 = 12 4 × 3 = 12 24 + 16 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें 33 नंबर जो है वो 3/4, तो ये हमें मिक्सड फ्रैक्शन में 33 / 4। तो अब हम जाएंगे इसमें, इसमें भी इसी तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे 4 × 2 + 1 डिवाइड बाई 4, तो इसको क्या करेंगे हम, 7 × 4 = 8 and 9 डिवाइड बाई 4, 63 डिवाइड बाई 4, तो 63 को हम करेंगे डिवाइड 4 से, 4 × 1 = 4 यहाँ 2, तो वहाँ से 3 आया, 5 × 20 तो 3 निकला, तो ये हमारे पास 13 × 3 = 4। तो हमारे पास इसका जो मिक्सड फ्रैक्शन जो है, मिक्सड में आंसर जो निकला है 3/4। तो इस तरह जो मैंने आपको समझाया है, इसके बाकी पार्ट्स जो है वो आप खुद करेंगे इसी तरीके से, और मुझे इसकी इन्फॉर्म करेंगे व्हाट्सएप पे, इसका फ़ोटो डालेंगे कि कैसे हम करते हैं इसका सॉल्यूशन।
तो इसके बाद हम बाकी जो इसके क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे।